फियांसे है मेरा वो। मतलब ऐसे कैसे, मतलब फियांसे यार, साल से घर पे बात, गुस्सा नहीं आएगा तो मुझे क्या आएगा अभी? मतलब ये चीज़, मतलब बताने के लिए तू एक हफ्ते से मेरा फोन नहीं उठा रही और ऊपर से मैं आया तू मेरे को मिठाई खिला रही है। तो भाई तो यार इन्होंने ये सोचा था कि जब आप कार्ड लाएंगे ना तो हम पहला कार्ड दक्ष को ही देंगे। हे गाइज, यश चौधरी बैक अगेन विद न्यू वीडियो। तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि ये कौन है इतनी प्यारी खूबसूरत सी अप्सरा, तो मैं बताता हूँ ये मेरी दोस्त है मेलेनी। तो हम आज क्या करने वाले हैं, हम करने वाले हैं इनके बॉयफ्रेंड के ऊपर एक खूबसूरत सा प्रैंक। उस प्रैंक में हम ये जानना चाहते हैं कि वो अपने घर पे बताएगा इनके बारे में शादी के लिए या नहीं बताएगा। तो आज हम देखते हैं कि उनका क्या रिएक्शन होगा, और ये पिछले एक हफ्ते से उन्हें इग्नोर कर रही है। तो लेट्स सी वीडियो में क्या होता है, आप लोग साथ में बने रहो और बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि इनका मानना है कि वो इनसे बहुत प्यार करता है। तो देखते हैं क्या सच है और क्या झूठ है। कॉल करो, लोकेशन हमने भेज दी है, पता करो, कॉल करो आप, लाउड स्पीकर करना। कॉपीराइट यही यही है, मैं दबा लेता हूँ कॉपीराइट ऐसे करके। हेलो 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 हेलो, कहाँ पे हो? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही शायद इनको, दोबारा करते हैं। वॉइस का इशू है, कोई नहीं दोबारा करते हैं। हेलो हेलो, आवाज़ आ रही मेरी? हाँ आ रही, आ रही, आ रही है। मैं बोल रही हूँ, कहाँ पर हो? आ रहा हूँ बेबी, आपने जो लोकेशन भेजी है 10 मिनट और लगे, 10 मिनट में आ रहा हूँ प्लीज। ठीक है, हाँ वेट करना, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ठीक है, जल्दी आओ। हाँ मैं आ रहा हूँ। गाइज 10 मिनट में भाई यहाँ पे आ जाएगा, तो वीडियो में बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, आप लोग बने रहो साथ में, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। हाँ। तो रेडी हो ना? तो गाइज फाइनली आ गया अपने पास एक मिठाई का डिब्बा, इसमें ट्विस्ट है, बहुत अच्छा, मज़ा आएगा आपको। तो यार एक बार को और कॉल कर लो। हाँ एक बार और करो यार कॉल। हेलो यार, कहाँ रह गए? बेबी बस आ गए यार, बस 5 मिनट और, मैं बस ऑटो से उतरा हूँ जस्ट। अच्छा ठीक है, बस गेट में एंट्री कर रहा हूँ मैं, अंदर आके वहीं पे सेंटर में मिलते हैं। ठीक है, हाँ हाँ आ रहा हूँ। तो गाइस भाई 5 मिनट बाद यहाँ पे आने वाला है, तो बने रहो आप साथ में यार, मज़ा आएगा आपको। यही है क्या? आ रहा है। ओके, बी सीरियस। फ़ोन क्यों उठा रही मेरा? ना मैसेज का जवाब, ना कॉल्स का जवाब। लास्ट वीक तेरे को मिलने के लिए बोला, उसके लिए तेरे को टाइम नहीं। मतलब वैल्यू ख़त्म समझ रही है क्या? मतलब क्या चीज़ है? चल लेट इट बी, छोड़, कम। रुको रुको रुको, क्या हो गया? बैठो, बताती हूँ। हक करने में क्या प्रॉब्लम हो गया आप तुझे? अरे बैठो, बताती हूँ, पहले बैठो। अरे बता तो सही क्या हुआ? बैठो, बताती हूँ। छोड़ो इसको, फोन देखो, ध्यान से फोन रख रखा है, आराम से साइड रख दो। क्या हुआ? मिठाई खाओ। किस खुशी में? मिठाई खाओ फिर बताती हूँ। अरे किस खुशी में, कोई बात भी होगी? अरे हाँ है ना, इसके बाद बताती हूँ ना क्या बात है। पहले मुझे बता क्या है, सब ठीक है? हाँ ठीक, रुक जाओ, पहले मिठाई खाओ। देखो तुम्हारी फेवरेट वाली लगी वहीं से, अग्रवाल से। मेरा क्या बताऊँ, अंदर से मेरा पूरी खाओगे अभी? चल थोड़ा सा दे दे, जब तू कह रही है तो मेरे को बात खाना तो पड़ेगा ही, फिर बताऊंगी। एक्साइटेड हूँ, मतलब क्या बताना चाह रही है? अच्छा है, परफेक्ट। अब बात बता क्या है, क्या हुआ है? सांस ले लो पहले। सांस, मेरे को सांस नहीं आती, देखो पता है तेरे से मिलने के बाद यार, पता पूरा 1 वीक के बाद मैं तेरे को मतलब देख पा रहा हूँ, तूने मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं किया ना, कॉल्स का रिप्लाई कर रही है। और बहुत बड़ा मतलब मेरे को सांस नहीं आती, को मैंने पहले भी मैंने बोला था कि मेरे से डेली मतलब बात करती रहेगी, तो मेरे को लगेगा हम टच में हैं। बताओ क्या बात है? क्या है बता, सुन लोगे? तू कहेगी तो सुनूंगा ना, अब प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता क्या है क्या नहीं है। ये पता है कौन है? कौन? फियांसे है मेरा। हाय, क्या कह रही है? यश, क्या कह रहे हैं? फियांसे। सुनो सुनो सुनो, वेट वेट वेट, देखो तू ठीक तो है? हाँ मैं ठीक हूँ। देखो मैं बता रही हूँ अब तुम्हें सारी मैटर बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सच्ची में सीरियस हो गया ये चीज़ें, है ना? देखो
क्या सीरियस हो गया है? सुनो, देखो, दो साल से हो गए हम, मतलब साथ में रिलेशन को हो गए. हाँ हुए ना. मैंने तुम्हें हमेशा बोला है अपने घर में बता दो. सुन लो पहले, आराम से रिएक्ट मत करना पहले. बोल 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 तू बोल. ठीक है, दो साल से ज़्यादा ही हो गए मतलब, है ना. और मैं कितने टाइम से तुम्हें बोल रही हूँ कि अपने घर में बताओ, घर में बताओ. हाँ ठीक है. तुम्हें मतलब मेरी फैमिली के बारे में पता है, मेरी मम्मी कैसी है थोड़ी, है ना. मैं सब जानता हूँ. सब जानते हो ना. तो फिर जानते हुए भी फिर तो तुम्हें ये चीज़ें होनी चाहिए. फियांसे है मेरा वो. मतलब ऐसे कैसे, मतलब फियांसे यार. तुमने दो साल से घर पे बात नहीं करी. बात नहीं करी यार. वो उसका और मेरा इशू है. अभी वो डायलिसिस है दक्ष भाई, उन्होंने मुझे आपके बारे में बताया. क्या बताया? उन्होंने मुझे बोला था, उन्होंने मुझे बोला कि मैं ना चीज़ें एक बार फेस टू फेस क्लियर करना चाहती हूँ जिससे दक्ष परेशान ना हो. वो एक हफ्ते से आपको इसीलिए. देखो सुनो सुनो, रिएक्ट मत करना क्योंकि देखो मैं रिएक्ट ना करूँ इस बात पे. एक मिनट मेरी बात, मतलब भाई गर्म होने वाली बात नहीं है. देखो गर्म होने वाली बात नहीं है, बिना सोचे. देखो मैं इसलिए ऐसे हम इसलिए बात करने आया ताकि ये आमने सामने, क्योंकि देखो कॉलिंग पे तुम्हें पता है तुम हाइपर हो जाते हो हमेशा. हाइपर तो तब होंगे जब तुम मेरे रिप्लाई करी यार. तू कॉल्स ही नहीं उठा रही है मेरा यार. इसलिए नहीं उठा रही क्योंकि मैं डायरेक्ट मिलना चाह रही थी यार, और मैं इनको भी बताना चाह रही थी. इनको मैंने बताया सारी. और इनको क्या लगा रखा है? क्या इनको यार, क्या इनको क्या बोलूं? आप ऐसे नहीं बोल सकते क्योंकि अभी उसमें मेरा हक है, फैमिली के बारे में पता है. आप यार क्या हक है? तुम मेरे बारे में नहीं जानते हैं भाई. दो साल से आप प्यार करते थे, मैं सब जानता हूँ. करते थे नहीं, मैं अभी भी करता हूँ और आगे हमारी लाइफ का बहुत वो है. हो सकता है मुझसे ज्यादा इनके बारे में पता हो. अगर तुम प्यार व्यार करते हो ठीक है, मैं मानती हूँ सारी चीज ठीक है. तुम्हें इतनी भी तो होनी चाहिए ना मेरी फैमिली पे, मतलब मेरा कितना प्रेशर बनता है. मेरे को सब पता है प्रेशर वगैरह, मैं खुद जानता हूँ. दक्ष भाई आपने अपने घर पे आज तक नहीं बताया. सुनो, नहीं बताया ना. मेरे को टाइम चाहिए थोड़ा. मैं यार मैं कितना टाइम चाहिए यार, बात समझो. तुम्हें पता नहीं है मेरी फैमिली की तबीयत खराब रहती है, इसलिए उन्होंने दिल्ली से बाहर भेज दिया. शिफ्ट कर रहा है, तुम्हें पता है ना. शिफ्ट कर रहा है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, भगवान न करे ऐसा हो. उनके घर वाले जल्दी प्रेशर बना रहते हैं. ठीक है, गुस्सा होने वाली बात नहीं है दक्ष, इसमें तुम्हारी गलती है. सवाल है, बात समझो. गुस्सा नहीं आएगा तो मुझे क्या आएगा अभी? मतलब ये चीज़ मतलब बताने के लिए तू एक हफ्ते से मेरा फोन नहीं उठा रही और ऊपर से मैं आया तू मेरे को मिठाई खिला रही है. तो भाई तो यार शादी की बात है. कौन सी खुशी की बात है यार? किसके लिए खुशी की बात है? तेरे लिए खुशी की बात है ये? आराम से बात करो. हम जल्दी ना शादी करने वाले हैं, हमारा घर पे हो चुका है. प्लीज यार प्लीज, कोई शादी शुदी नहीं. मेरे को पता है कुछ मेरे साथ कुछ कर रहे हो. जब वो चाहती ही नहीं है. क्यों नहीं चाहती? तू मेरे से शादी नहीं करना चाहती? कैसे डालेगी? देखो आपने जब घर पे बात नहीं करी. दक्ष भाई देखो अच्छा नहीं लगता ना. आप सोचो यार, मेरी भी ऐसी चीज. यार तुम्हें आए हुए कितना टाइम हुआ? मेरे को 7 दिन से वो मेरे साथ है. तुम्हें 7 दिन हुए? हम 7 दिन से. दो साल में मैंने इससे 7 जन्म निभाने का मैंने से वादा कर चुका हूं. अरे वादा करा यार, लेकिन देखो टाइम मैटर नहीं करता. ठीक है यार, क्यों नहीं मैटर करता? हर चीज तेरे साथ एक एक पल. मैं आराम से बात कर रही हूँ ना. हाँ, चलो बोलो. मैं सुन रहा हूँ. मैंने कितने टाइम से तुम्हें बोल रखा और मैं दिखाती भी हूँ तुम्हें वीडियो कॉल वगैरह पे. मैंने कितनी बार बोल रखा है कि देखो कितने घर में प्रॉब्लम चल रही है ना. तो तुम्हें थोड़ा तो होना चाहिए ना यार. लड़कियों को मुझे सब पता है, लड़कियों को प्रॉब्लम होती है इन चीज़ों में. लड़कियाँ वो नहीं रोक पाती अपनी फैमिली को. ठीक है, अगर मेरी खुदा ना खासे कुछ प्रॉब्लम हो जाए घर में तो मैं कैसे हैंडल करूंगी? तुम ये भी तो सोचो ना यार. हम हैं ना, दोनों मिलके हैंडल करेंगे. यार तुम्हारी तो तुम्हें बताना तो चाहिए था यार. तुमने अपने फैमिली से मिलाया तक नहीं यार. घर वालों ने जो फैसला लिया है भाई वो हो गया है यार. कुछ नहीं हुआ है. प्लीज अभी कुछ भी नहीं हुआ. कुछ नहीं हुआ है. नहीं कुछ नहीं हुआ है यार. मत बोल बार बार वो चीज, मत बोल. तुम्हें ना यहाँ पे बुलाने का जो रीजन था यही था कि चीजें ना सारी क्लियर हो गई. क्योंकि यार क्या क्लियर होगा? क्या क्लियर होगा? मैं किसी को भी उठा के ले जाऊंगी. सुनो, मिठाई लेके आई. वही मैं आपको बोल रहा हूँ. हमें मैं इसलिए भी इधर आई हूँ क्योंकि हमें कार्ड बटवाने. क्या व्हाट रबिश यार, क्या कार्ड, क्या कार्ड? देखो दक्ष भाई, देखो मेरी बात सुनो. मैं आप एक चीज को ना दूसरे तरीके से समझो. उसके घर पे प्रॉब्लम है. ये वो प्यार करती है तुमसे. हाँ. उसने मुझे बोला कि देखो मैं आपसे शादी तो कर रही हूँ लेकिन मुझे दक्ष को बोलने में टाइम लगेगा. मुझे दक्ष को बोलने में टाइम लगेगा. मैंने कहा कोई बात नहीं, मतलब मैं अंडरस्टैंडिंग नहीं हूं. तो तुम्हें ये चीज समझनी चाहिए. फैमिली के दिल नहीं तोड़ सकते. उन्होंने कुछ चीजें सोची यार. इस दिल का क्या? इस दिल के बारे में आपको तो फिर इनको करना चाहिए था ना. ये आपको घर पे बताना चाहिए ना जब वो रेडी है. उसकी लड़की की प्रॉब्लम भी तो यार मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए था. मेरे को थोड़ा और टाइम चाहिए. थोड़ा टाइम क्या होता है यार? थोड़ा और टाइम क्या होता है? जब मेरे घर वाले सच्ची में मेरे को डोली में बिठा के भेज देंगे फिर देखते ऐसे कैसे भेज देंगे यार? हो ही नहीं वाला यार. अब जो हो गया वो चीजें हम आपको बता रहे हैं. कुछ नहीं हुआ. प्लीज यार फॉर गॉड सेक आप प्लीज ऐसी बातें मत करो यार. यार मैं सच बता रहा हूँ, हमारा अब क्लियर हो चुका है. हम सिर्फ इसीलिए आए थे कि मैं बस आज के बाद एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी आपसे कि आप आज के बाद इन्हें कॉल और SMS मत करना क्योंकि समझ लो फोन पे आप यकीन ना. टाइम का भी ध्यान रखना, हमें जाना है. हाँ ठीक है, कहाँ जाना है?
यार एक्चुअली कार्ड लेने जा रहे थे। और एक चीज़ और देखो, ये इतनी अच्छी है कि इन्होंने ये सोचा था कि जब आप कार्ड लाएंगे ना तो हम पहला कार्ड दक्ष को ही देंगे। ये इतनी अच्छी थी, ये चाहती थी। मैंने कहा कोई नहीं, जो तुम्हारी ख्वाहिश है तुम करो यार, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आज के बाद देखो, आप मेरी फियांसी को कोई कॉल और SMS मत करना, मैं बस इसलिए आपके पास आया हूँ। लेकिन एक बात है कि आपको एक स्टैंड लेना चाहिए था, वो खुद कह रही थी या मैं रेडी हूँ, मैं हर तरह के स्टैंड लेने को रेडी हूँ। लेकिन घर पे बताया यार, स्टैंड की बात नहीं होती दक्ष, तुमने एक बार भी ना घर पे बताया ना कुछ। मैंने इतने टाइम से मैंने तुम्हें बोल रखा, थोड़ा टाइम चाहिए था। टाइम नहीं होता यार, मैं आप सुनो, मैं वेट कर लेती। देखो मैं ये बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, मैं नहीं इस चीज से डील, मैं वेट कर लेती लेकिन मेरी फैमिली नहीं कर सकती ना, मेरी तरफ से भी तो समझो। अब हम मना करेंगे तो घर पे कितने रिश्ते टूटेंगे, कितनी इमेज खराब होगी, कितनी इमेज खराब होगी। और मेरे प्यार का क्या यार, वो भी तो हाँ? प्यार करती थी, करती तो मैं भी हूँ ना, मतलब उसे तो अभी भी भूलने में टाइम लगेगा ना यार। और सोचो मेरे लिए कितना मुश्किल, भूलने में टाइम लगेगा नहीं, मेरी वाइफ तुझे टाइम लगेगा, मैं भूलने की बात ही नहीं कर सकता यार। यार इन लफ्जों ने हमेशा तेरा जिक्र किया है, दिल में हमेशा तू है। आप आगे तो बढ़ना पड़ेगा ना यार, क्या आपके लिए टिकती कैसे, अब मेरा दिल बैठा जा रहा है यार। खराब है, सुनो, किसी की मम्मी की तबीयत खराब है, वो क्या करे, आप अपने घर पे बता नहीं रहे हो, और टाइम चाहिए। कौन सा सही टाइम चाहिए आपका, जब कुछ हो जाए, जब किसी के घर में। कैसे समझूंगा यार, क्या समझूंगा इसमें, क्यों क्या समझने वाली बात है। कोई नहीं, आप थोड़ा सोच लो आराम से, सुनो वो ना टाइम हो रहा है, कोई काम करो आप। प्लीज यार, क्या टाइम हो रहा है यार, क्या हो क्या रहा है, प्लीज यार मेरे को लिटरली बताइए। मेरी बात सुनो, तुझे मेरी का समय, मतलब प्लीज ब्रदर, प्लीज एक मिनट, क्या मतलब क्या हो रहा है, डिसेंट बंदे हो, प्लीज डोंट टच कर यार। हमारी 2 साल की रिलेशन बिल्कुल जीरो हो गई, क्या बिल्कुल खत्म हो गया भाई। बात खत्म करने आया हूँ, बात करने और बढ़ाने नहीं आया, ठीक है बड़े भाई। मैं देखो अपनी फॉल्ट मानो, तुमको मैंने कितनी 2 साल कित कम बहुत होते यार, बहुत। एक बार तुमने अपनी फैमिली के बारे में, मतलब फैमिली से मेरी बात भी नहीं करी, सब कुछ फेस टू फेस समझा रही है आपको, ताकि कल को आप उसे धोखे बाजी में ना समझे। वही तो, मैंने धोखा, मतलब ऐसा तो नहीं है ना, किस मेरे सामने है, आपके सामने है, कुछ सोचने समझने की मेरी, मतलब अंदर हिम्मत नहीं हो रही है मेरी कुछ समझने की और सोचने की। आप उसे लगातार कॉल मैसेज करते थे, वो फोन मेरे हाथ में होता था, ठीक है, वो कहती थी एक बार बात कर लूं, तो मैंने उससे कहा था प्लीज सामने के लिए, अब बात नहीं होगी क्योंकि अब आप मेरी हो, बात मतलब यहां तक पहुंची तो फोन भी अपना हैंड ओवर करने लग गई, मतलब भाई वो वाइफ होने वाली है मेरी यार। वेल सुनो बेबी, मेरी बात सुनो, उन्हें कार्ड दिखाना है, प्लीज ले आते हैं, एक कार्ड भाई को भी दे देंगे। कौन सा कार्ड, क्या कार्ड, अब बैठो हम आते हैं, ओके आ जाओ। ये सब सीरियस, मतलब ये चीज बोल रही है यार, मैं सीरियस, तुम्हारी कसम, समझो देखो तुम्हारी कसम, लेट घर वाले भी पूछेंगे कि क्या सीन है, समझ रहे हो, इतना टाइम नहीं लगता है, आ जाओ प्लीज, छोड़ो आगे बात करती हूँ, वेट करना, ठीक है, आ जाओ आप, आ जाओ। ये क्या आके बात करेगी, वेट करना, कहाँ जा रही है, नहीं यार छू मत ना, मिठाई खा लेना यार। क्या मिठाई यार, क्या मिठाई, अरे ऐसे मत करो यार, मिठाई पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो, एक मिनट आ जाओ, कोई बात नहीं, चलो। यार ये रो रहा है, मुझे तो तरस आ रहा है यार, कोई नहीं यार थोड़ा होने दो उसको, अरे यार समझा करो ना, अच्छा लगता है यार। यार गाइस देखना कैसी लड़की मैंने है, रुला रही है। नहीं नहीं वो बात नहीं है, उसको पता भी तो होना चाहिए थोड़ा। हाँ बात यार, ये बात सच है, थोड़ा रियलाइज होना चाहिए, होना चाहिए। 2 साल हो गए हैं और बताया नहीं, उन्होंने घर पे बता रखा है, बाद में देखो यार वो तुम्हें बोलेगा, थोड़ी देर पे चलेंगे, अरे यार चल लो ना, वो अच्छा नहीं लग रहा, तरस आ रहा है मेरे को भी, नहीं हो रहा, बट होना चाहिए यार, उसमें अक्ल नहीं है, पता है मैं कितनी बार समझा के थक गई उसको, कोई नहीं ना मान जाएगा, अब तो मान नहीं, अब तो मान ही जाएगा पक्का। वैसे सच में प्यार करता है, हाँ, कभी और कोई GF वगैरह कोई चक्कर नहीं थी, बट वो तो अलग, अच्छा लॉयल है ना, लॉयल है ना, हां बहुत, फिर ठीक है, चले गए यार, चल लो ना यार, हद होती है, चले अभी इंतजार कर रहे, नहीं यार ज्यादा इंटर लाना चाहिए, चलते हैं, बाद में तुमसे लड़ाई करेगा, फिर मत बोलना यार ये क्या करवाया है, लड़ाई तो नहीं करे वो, तो मैं संभाल लूंगा, हाथ पकड़ लो उसको, जाने से, हां चलो। क्या हुआ भाई, रो क्यों रहे हो, अरे रो क्यों रहे हो, अरे जाओ ना यार, तुम जहां जा रहे हो जाओ, प्लीज जाओ, मेरे को छोड़ दो मेरे हाल पे, जो ये हो रहा है ना सुन लो, जो हो रहा है ना ये सच हो सकता है, अक्ल ले आओ थोड़ी, क्या सच हो सकता है, ये जो सब हो रहा है, क्या हो रहा है,
सच हो सकता है ये सारी चीजें, ठीक है? क्या हो सकता है यार, क्या क्या बचा है, कुछ बची है बात? तुम जाओ यार, तुम रहो खुश अपना, जाओ यार। प्रैंक कर रही थी। अरे जाओ यार, क्या प्रैंक कर रही थी, प्लीज जाओ भाई। दोस्त है वो मेरी। अरे सच्ची में दोस्त है, सुन लो अब। प्लीज यार, मैं और नहीं मिल सकता यार। प्रैंक कर रहे हैं, मेरा कैमरा लगा हुआ है। वो देखो क्या कैमरा यार, क्या देखो। ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि तुम घर पे बात कर लो। थोड़ी अक्कल ले आओ यार। उसके घर में प्रॉब्लम चल रही है, वो नहीं खोना चाहती तुम्हें। ये सच है, घर पे बातचीत चल रही है। अक्कल ले आओ यार, मत रो पागल। ओए ओए पागल मत रो, तू मेरे से मजाक कर रही थी यार। देखो यार, मैं अभी जाके करता हूँ। अभी करोगे? कर लो यार, इतनी प्यारी लड़की मिलेगी नहीं तुम्हें यार। आई एम सो सॉरी, प्लीज कर लो बात यार। वो तो मैंने बस रियलाइज कराना चाह रही थी। अभी नहीं, मतलब बता देना यार, लेकिन थोड़ा मेरा भी समझो। आओ आओ, देखो वो तो मैंने बस रियलाइज कराना यार। ऐसा कौन सा रियलाइज, बहन हार्ट अटैक से मर जाता है यार। नहीं सुनो ना, ऐसा हो सकता है अगर तुम बात नहीं करोगे। नहीं मैं अब लिटरली अब जाके करूंगा यार, तूने अंदर का यार। उसके घर की प्रॉब्लम भी समझो, करियर है बाद में बन जाएगा। जब कोई इतना प्यार करता है ना, तो वो ऑटोमेटिकली करियर गया, करियर गया तेल लेने यार। पहले मैं तेरे को पहले हासिल करूंगा, उसके बाद देखी जाएगी ये करियर का झोल जो लोग देते हैं ना। सच में ऐसा होता नहीं है, बाद में जो करियर सेट झोल नहीं है, वो झोल नहीं है। अब पता लगा कैसा लगता है? बहुत बुरा। कोई नहीं, यहाँ बैठो। ओए यहाँ पे बैठो, अब रोना नहीं है, ठीक है? मेहनत करो और नहीं, यहाँ पे बैठो। थैंक्स यार, आपने आँख खोल दी। हो गया रियलाइज? खुल गई आँख। कर लो, डन समझे? डना डन समझो यार, डना डन समझो। मैं अभी आ जाता हूँ शादी में मुझे। मैं अभी घोड़ी लेके जाता हूँ यार। मैं घोड़ी बात करो घर से। जब लड़की कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। प्यार करते हो ना? नहीं मेरे को रियलाइज हुआ है, मैं कर सकते प्यार में बहुत ज्यादा करता हूँ यार। एक बार बात कर लो घर पे, कुछ नहीं जाता। लोग कहते हैं चार दिन की जिंदगी है यार, इसके साथ दो साल गुजार दिए। मैंने कहा तो आप तुम्हारे घर वाले भी वीडियो देखे, उन्होंने समझ में आ गया होगा हमारा बच्चा कितना प्यार करता है। हमको खुद दिखा, आधा मैसेज यहाँ से चला गया, यही दिखाना, आधा मैसेज यहाँ से यही दिखाना, आधा मैसेज यहाँ से चला गया, आधा उनको भी रियलाइज हो जाएगा। ओके एंजॉय यार, ध्यान रखो भाई, बात करो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मेरी तरफ से भी थैंक यू साथ देने के लिए। कोई बात नहीं, मैं हमेशा हूँ शादी में बुला लेना। बिल्कुल, अब जो पहला कार्ड मुझे याद है वो तुम्हें जाएगा। बिल्कुल यार, जितनी मेरी फाड़ी है ना, रसगुल्ले खिला के। कोई नहीं कोई नहीं गाइस, इन दोनों की प्यारी सी लव स्टोरी आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। और यार सच में बहुत प्यार है इनको देख के ना, मैं भी इमोशनल हो गया, मैं भी जा रहा हूँ प्यार करने। अरे कसम से, जब ये रो रहा था ना, मेरे को भी रोना आ रहा था। सो रोना मेरी यार, किसने ऐसा प्यार किया है बताना जरूर। और गाइस अगर आपने अभी तक बात नहीं की अपने घर पे अपनों के लिए, तो प्लीज कर लो भाई, बहुत लेट हो जाएगा, कसम से लेट हो जाएगा, नहीं तो इससे आप सीख सकते हो। तो वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो। लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच दोस्तों।